भारी कर्ज में डूबे अनिल अंबानी की दिवालिया हो चुकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन बंद होने के कगार पर पहुंच गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी के फैसले को नहीं पलटा तो कंपनी के पास बंद होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो इससे उन बैंकों को भारी नुकसान होगा जिन्होंने आरकॉम को लोन दे रखा है। एनसीएलएटी ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी के पास मौजूदा स्पेक्ट्रम को सरकारी बकाया क्लियर करने के बाद इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर के तहत बेचा जा सकता है। दोस्तों, एक बैंकिंग सोर्स ने बताया है कि आरकॉम की कमेटी ऑफ क्रेडिटर इस आदेश के खिलाफ एक अपील दायर करेगी। एनसीएलटी ने एएसएल वर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मामले में यह आदेश दिया है। एक्सपर्ट का कहना है कि एनसीएलटी के आदेश के बाद एएसएल के लिए यूबी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रेजोल्यूशन प्लान का कोई मतलब नहीं रह गया है। इस प्लान को पिछले साल जून में मंजूरी मिल गई थी। कंपनी अब बंद हो जाएगी और लेंडर को अपने 18,000 करोड़ रुपए के बकाए में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। एक बैंकर का कहना है कि आरकॉम का भी यही हर्ष होगा जिसे डेट रेजोल्यूशन के लिए एनसीएलटी में भेजा गया था। कंपनी ने 46,000 करोड़ रुपए के कर्ज के भुगतान में डिफॉल्ट किया था। यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने आरकॉम और रिलायंस टेलीकॉम के एसेट के लिए सफल बोली लगाई थी। दोस्तों, इसमें स्पेक्ट्रम और रियल एसेट भी शामिल थे। एनसीएलटी ने पिछले हफ्ते अपने फैसले में कहा था कि लेंडर स्पेक्ट्रम को सिक्योरिटी इंटरेस्ट की तरह नहीं देख सकते हैं। हालांकि ट्रिब्यूनल ने कहा था कि सरकार एक ऑपरेशनल क्रेडिटर है। इससे ये साफ है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर के तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फाइनेंशियल क्रेडिटर से पहले एजीआर वसूल नहीं कर सकता है। दोस्तों, एएसएल का एजीआर 12,389 करोड़ रुपए है, वहीं आरकॉम का 26,000 करोड़ रुपए बकाया है। आरकॉम और एएसएल के रेजोल्यूशन प्लान को लेंडर ने कॉन्सेंसस यानी सर्वसम्मति से मंजूरी दी थी। और दोस्तों, इसे मार्च 2020 से एनसीएलटी की मंजूरी का इंतजार है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो दोस्तों, देखने वाली बात यह होगी कि एनसीएलटी क्या फैसला सुनाती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अपडेट आरकॉम को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।